के न्यूज़ खबरों की नई पहचान। झरिया एसबीआई शाखा में 3,50,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना बुधवार की सुबह करीब 2:30 बजे की बताई जाती है। बताया जाता है कि संजय हरिजन कोयरी बांध निवासी ने अपने पिता के खाता से 3,50,000 रुपए अपने खाता में जमा करने हेतु बैंक कर्मी जितेंद्र कुमार को दिया और खुद चला गया। पैसे को पास के दराज में रखकर बैंक कर्मी जितेंद्र कुछ काम से बैंक मैनेजर बीपी सहाय के पास चले गए। वापस आकर जितेंद्र ने देखा तो पैसे गायब थे। जितेंद्र ने तुरंत इसकी सूचना ब्रांच मैनेजर बीपी सहाय को दी, जिसके बाद मैनेजर ने पुलिस को सूचना देकर बुलाया। कितने रुपए रकम जमा किए? 3,50,000 रुपए में कौन से निकाले थे? पापा के अकाउंट से, और उसके बाद हम अपने अकाउंट में जमा करने के लिए बोले थे। सर को बोले थे कि सर रखिए हमारे नीचे से, तो उसने नहीं था। तो कहाँ से कैसे रुपए निकाले थे? यही काउंटर से निकाले थे, वहाँ दिए थे। यहाँ काउंटर से निकाले थे, वहाँ दिए। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार हरिजन। कहाँ का नाम? कोरीबांध। कितने बजे घटना? किसी पर शक वगैरह पहले से पीछे रखिए आप? कोई वॉच कर रहा था आपको? ऐसा कुछ नहीं। तो कहना है कि काउंटर पर 3,50,000 रुपया झोला में रखा गया था, जिसे एक लड़का चोरी छिपे घुस कर उसको निकाल कर चला गया। सर, इतनी सुरक्षा के बीच जो है कि आपराधिक घटना को अंजाम देता है, सर क्या कुछ क्रम होता है? नहीं, ये बैंक की पूरी लापरवाही तो प्रदर्शित हो रही है। कहीं ना कहीं उनके स्टाफ की गंभीरता नहीं समझी जा रही। कोई भी व्यक्ति कहीं भी चला जा रहा हो, ये पूरी तरह उनकी लापरवाही था। सर, बैंक के साथ साथ इस बिल्डिंग में पूरी अगर सुरक्षा की बात की जाए तो ना सीसीटीवी कैमरा है इस बिल्डिंग में, और ना ही जो है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई गार्ड भी नहीं है सर इस पूरे बिल्डिंग में। कई सारे कैमरास कुछ है, और जो लड़का पैसा निकालने वाला या ले जाने वाला है उसके भी सीसीटीवी में कैद हुआ है। हम लोग उसके आधार पर उस तक जल्द पहुंचने का प्रयास।